आज का क्राइम रिपोर्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं नीचे सरो जाहिर नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या। जमीन विवाद पर दो लोगों में आपसी भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों ओर से गोलियां भी चली, जिसके बाद मौके पर भीड़ लग गई। फायरिंग में एक कांग्रेस नेता भी शामिल था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य चार लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर भारी पुलिस बल पहुँच गयी। हालत को काबू में कर मामले की जाँच की जा रही है। वहीं आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बताएं कहां की घटना थी? घटना तो घर के पास की है, गोलपुर की। अच्छा, कौन है मकान? जो आपके घायल भाई, क्या हुआ उनके साथ? समीर तो बैठे थे अपने दोस्तों के साथ, पीछे गली से निकल के आ चुपके से फायर कर दिया। कौन लोग थे आपके? आपके किन के ऊपर सर? सर क्या, वो तो जान पहचान के लोग, पारिवारिक लोग। पारिवारिक लोग कौन है, नाम क्या है? देखो, परिवार के लोगों का इस्तेमाल किया गया है। मेरे भाई की जो हत्या हुई है वो राजनीतिक षड्यंत्र है। क्या वो गोली वगैरह लगी? क्या हुआ? गोली लगी। नाम बता दो आप अपना। आप की घटना है ये? हम केरा रोड थाना गोहरपुर क्षेत्र की घटना है, लगभग 11:30 के आसपास, जिसमें अमखेरा रोड निवासी भरत कुशवाहा की गोली लगकर मृत्यु हो गई है। मृत्यु मौके पर हुई है। प्रॉपर्टी का विवाद की जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है, जिसमें राजाराम कुशवाहा है, जो उनके परिवार के ही हैं। बताया जा रहा है कि बड़े पिताजी के लड़के हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया और अभी बॉडी को पीएम के लिए अस्पताल लाया गया। FIR रजिस्टर की जाके विवेचना की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मृतक के अलावा कोई और घायल भी है सर इसमें? मृतक के अलावा कोई और घायल होने की सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है। अभी मौके पर जाकर और बाकी विवेचना जो भी चीजें आएंगी उन सब चीज़ों को शामिल किया जाएगा। जबलपुर से कदीर खान की एक रिपोर्ट।